परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनात्मा, अब ये देख विचार करने वाली बात है। परमात्मा के बारे में दास ने रात्रि के सत्संग में जो फरमाया था, सुनाया था कि परमात्मा का और काल का विवाद हुआ था। परमेश्वर कबीर देव जी से उसने वर मांगा था कि तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण बेसिक जीव हो जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, हे परमात्मा ऐसा वचन मुझे दे दे, तब तुम गवन संसार ही खींचे। तो धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये सतनाम ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। अब यही प्रत्येक पुण्यात्मा को जिनको भगवान आकर सीधे मिले हैं उनको अपना गवाह बनाना था, उनका कल्याण भी करना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन भटकत्या ने। जैसे राजा जनक होते हुए भी कितनी भक्ति करते थे, नानक साहिब जी की आत्मा ऑल इन वेन स्वर्ग में गए, बर्बाद करके वापस आ गए। पहले उनके नौकर होते थे, फिर स्वयं नौकर लगे, कोट जन्म तन भर में तो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। भगवान बताते हैं यहाँ तो यह बिरान माटी रहेगी तुम्हारी। तो ऐसे ही इन पुण्यात्माओं को मिले थे और इनको यही नाम दिया, सतनाम दिया, लेकिन इनसे प्रतिज्ञा करवा ली थी कि आगे बच्चा देना नहीं। वैसे नहीं कि किसी को नहीं बताना, कारण बता के सबको समझाया था कि यदि इस सतनाम के दो अक्षर का और काल में पता लग गया, काल के दूतों को, तो वो सभी यही नाम देने लग जाएंगे। यदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर यूं दो अक्षर का नाम डिक्लेयर होता तो ये नकली पंथ राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वाले दुनोद वाले आगरा वाले ब्यास वाले ये गंग वाले ये भी दो मंत्र का अक्षर देते होते, फिर हम भिन्नता कैसे बताते कि ये नकली हैं। और इन ये दे नहीं सकते क्योंकि ये अधिकारी नहीं, अधिकारी के बिना दिया हुआ यो मंत्र काम में नहीं करे। जैसे डुप्लीकेट पासपोर्ट कैसे चलेगा? तो आज परमात्मा कहते हमारे लिए समस्या पैदा कर देगा यू काल। ये सभी आत्मा जो राधा स्वामी पंथ में धन धन गुरु सतगुरु पंथ में या अन्य पंथ में गई हैं, ये से तो परमात्मा के ही बच्चे सारे, लेकिन अब इनके भी हित में है यू। उनको उनका तो पता है उनके गुरु जी के नाम देते हैं, और उधर से ये गुरु नानक देव जी की दुआई भी देते हैं कि उन्हें जो ना वो उन्हें जो भक्ति करी हुआ मोक्षदायक थी। और वो ये कहते हैं उनके नकली गुरु कि गुरु नानक देव जी ने भी ये पांच नाम जपे सी और गुरु ग्रंथ साहिब में पंच नामा का जिक्र आंदा है। वो कौन से पांच नाम थे वो दास बताओ? ये थे वो पांच नाम इन पांच प्रधाना के अंदर जो ये बैठे हैं कमलों में। अब संकेत देकर चले गए। अब देखो पूरा सिख समाज कितना बड़ा समूह है, जन समूह, और किसी को पता नहीं सतनाम के आदि से मुक्ति होगी। तो पुण्यात्माओं या एक शंका उत्पन्न होगी कि गुरुदेव ने गुरुजी ने फिर ऐसा हमारे साथ क्यों किया, हमसे ये मंत्र क्यों छुपा के रखा, हमें प्रदान क्यों नहीं किया। पुण्यात्माओं ये महान आत्मा थे, इनको परमात्मा प्रथम और संसार बाद में जो उन्होंने कहा और समझा, नानक साहिब जी को बता दिया था कि अभी इनको नहीं देना, आप केवल इनको ये एक तो धर्म यज्ञ भंडारे आदि करने का करवाओ इनसे, और वाणी के पाठ का जो हम आपको ज्ञान दिया है इस ज्ञान की वाणी का पाठ और मेरे वाली जो वाणी है इसका पाठ का नित नियम रूप में जैसे जप जी साहिब इनकी बनवा दी उन्होंने महापुरुषों ने,
किसका जाप करवाओ और धर्म यज्ञ करवाओ, भंडारे करवाते हैं, लंगर लाते हैं। सबसे ज़्यादा लंगर सिख धर्म में लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वहाँ अब गुरु नानक देव जी को ये कहें कि वो हमारे हितैषी नहीं थे क्या? वो तो परम हितैषी थे हमारे। उन्होंने अपने पुत्रों को भी नहीं बताया, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद को ये मंत्र नहीं दिया। वो संसार अपने स्थान पर, मालिक करतार अपने स्थान पर, जो आज्ञा मालिक की, सिर धड़कीबाजी होती है इनको, वो दृढ़ भक्त कहते हैं। अब परमात्मा ने पता था कि अभी ये पार तो हो को नहीं, काल के दूता कोई मंत्र का पता लग जाएगा और जब मोक्ष समय आएगा फिर हम कैसे भिन्नता बताएंगे उनको, वो कैसे पहचानेंगे अपने को। तो पुणात्माओं, ये वैसे महाउपकार का कार्य था, परोपकार कार्य था, जो नानक साहेब जी ने ऐसा झटका दिया उसको मर्दाना को। और ये भी डिक्लेयर करवाना था कि दिस इज सतनाम, इट इज सतनाम, ये भी क्लियर करवाना था। और उधर से उसको झटका देना था कि कहीं कोई इसका जाप ना कर ले और साथ में कहीं आगे गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा ना जावे। तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखते समय अंगद देव जी जो थे, ये दानक साहिब जी के तुरंत बाद वो एक गुरु पद पर विराजमान हुए थे। ये नानक साहिब जी ने किसी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैसा भी वो गुरु पद पर विराजमान हुए थे, उसके बाद पांच में उन्होंने सब वाणी अपनी अपनी लिखते रहे। ये भी उन्होंने लिख ली कि ऐसे ऐसे वार्ता हुई थी, बाला ने बताई थी मुझे। पांचवें गुरु जो अर्जुन देव जी आए थे, उन्होंने ये एक संग्रह किया सभी वाणियों का, गुरु नानक देव जी की वाणी भी इकट्ठी की। तो उस समय उन महापुरुषों ने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये सतनाम, ये दो अक्षर का मंत्र गुरु ग्रंथ साहब में आ गया, लिखा गया या वाणी, तो आने वाले गुरु ग्रंथ के पाठक इनको पढ़ेंगे और जाप भी कर लेंगे, तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। और जैसे गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना ने ये गलती की थी, वो डूब गया था समुन्द्र में, इसलिए कहीं कोई सिख और इसका नाम जप कर ले और गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए, उसको हानि ना हो जावे, इसलिए उन्होंने उसमें लिया नहीं गुरु ग्रंथ साहिब में, वो कंप्लीट मंत्र इकट्ठा नहीं लिया, ऐसी भी वाणी है, तो वो छोड़ दी शेष। लेकिन फिर भी गुरु ग्रंथ में कहीं ना कहीं सोहम शब्द अवश्य है अकेला। अब परमात्मा ने वह भी दया करनी थी, एक प्राण संगली नामक एक और पुस्तक बनाई है जिसमें लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय कुछ वाणी शेष बच गई थी, उसकी भूमिका में लिखी है प्राण संगली की में, और वो वाणियां अब इसमें संग्रहित करके छपवाई गई है। और ये गुरु नानक देव जी की महले पहले की वाणी है, महला पहला केवल गुरु नानक देव जी के मुख अरविंद से उच्चरित वाणी है, क्योंकि ये प्रभु प्राप्त थे, अन्य किसी गुरु को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि उनके पास सतनाम नहीं था। अब क्या हुआ कि इन्होंने फिर प्राण संग्रह में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये है वो मंत्र दो अक्षर का, वो दिखाऊं आपको प्राण संग्रह के अंदर कैसे लिखा है। अब जैसे ये दो अक्षर का मंत्र किन किन महापुरुषों ने जाप किया है, उन सभी की वाणी से आपको थोड़ा थोड़ा आगाह कराते हैं, क्योंकि अब ये सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया। पुण्यात्माओं, ये समय आ गया, अब परमात्मा का आदेश है, क्योंकि सभी को पता है कौन सा गुरु के नाम देता है, और वो सभी ये भी मानते हैं कि ये महापुरुष भी पार हुए, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसादास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, तो इन सभी ने कौन कौन से नाम जाप करे हैं उनमें से आपको दिखाते हैं। जैसे कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को उपदेश दिया, वो कौन सा मंत्र था,
अब हमारे पास प्राण संगली उपलब्ध नहीं है, वो क्रोथा के मैं आश्रम में थी, वहाँ सब ग्रंथ उन्होंने बर्बाद कर दिए, दोबारा मिलाएंगे। वैसे हमने गहरी नज़र गीता में उसमें से नोट कर रखा है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाम है नाम, ये दो अक्षर का मंत्र ये है, नामम नाम असली मंत्र ये है। अब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को कौन सा नाम दिया था वो दिखाते हैं, कबीर पंथी शब्दावली से, ये है कबीर पंथी शब्दावली और ये कहाँ से प्रकाशित है, ये है कबीर पंथी शब्दावली और कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद बिहारी निर्मित, उसने संग्रह करके छुपाई है। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। इसके 284 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको, ये 284-85 पृष्ठ हैं। यहाँ आकर के चौका की रमैणी, अब ये चलते चलते हम यहाँ आते हैं, दो सौ पचासी पे स्पष्ट किया है कि धर्मदास को परमात्मा ने कौन सा नाम दिया, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रकाशा, ये है वो सतनाम पुणात्माओं। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको दिखाते हैं, उनके सदग्रंथ में लिखा है। अब क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने, नेति धोती पवन जनेऊ, ये कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि नोती धोती पवन जनेऊ, अजप्पा जाप जपे सो जाने भेऊ, एला पिंगला के घर जाई, सुषमना नीर ताँ ठहराई, ओम सोहम ततो विचारा, ओम सोहम ये ततो विचार, ये है वो तत्नाम सतनाम। राम नाम जपकर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, गरीबदास जी कह रहे हैं राम नाम जपकर थिर होई, थिर माने सथाई स्थान मिलेगा सतलोक में, और ये ओम सोहम मंत्र दोई ये दो अक्षर का मंत्र है। अपनात्माओं यदि इसका आपको पता भी लग गया, आपको इसका पता भी लग गया तो यो तो भी यूजलेस है, क्योंकि आप कोई अधिकारी नहीं है। वैसे जाप करने से लाभ क्या होगा, जैसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख ले आप पे, नू की नू उसकी सारी और नीचे साइन आप पे कर ले तो क्या फ़ायदा, या किसी नकली तो करवा ले, कहाँ ले जाएगा कहाँ दिखाएगा उसको, ऐसे जो नकली पासपोर्ट बनवा भी लेगा उसका लाभ क्या होगा। और फिर क्या होगा, फिर इसकी विधि का पता नहीं इनको, वो विधि कैसे बात बनेगी, विधि दास बताओगा उसके बिना तो इन जापे भी जाओ कोई। अब नानक साहिब जी की वाणी जो हमने नोट करके लिखी है वो रखी है वो देखिएगा, ये है प्राण संगली, गुरु ग्रंथ साहिब में केवल इतना हिंट दिया है, देखिएगा ये गहरी नज़र गीता के 145 पृष्ठ पर आपको श्री नानक साहिब जी की वाणी में सतनाम का प्रमाण हमने लिखा है और पाठक ने इसका पता भी होता है। ये यहाँ 145 पृष्ठ पे है, यहाँ क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 59 और 60 पर श्री राग महला पहला और 11वां शब्द है ये, इसमें लिखा है बिन गुरु प्रीत न उपजय हुमो मैल ना जाई, गुरु के बिना कोई भी प्रेत प्रीत उत्पन्न नहीं होगी और अहंकार नहीं मिटेगा, सोहम आप पिछाणिए शब्द भेद पति आई। अब यहाँ हिंट दिया है लेकिन क्लियर नहीं, यहाँ लिखा उन्होंने निकाल दिया गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से लिखते समय। फिर यहाँ देखो एक प्राण संगली नाम की हिंदी के पृष्ठ, प्राण संगली हिंदी के पृष्ठ 84 पर राग भैरव महला पहला पौड़ी 32, महला पहला का अर्थ है गुरु नानक देव जी की मुखारविंद से उच्चरित वाणी। साध संगत मिल ज्ञान प्रगासै, साध संगत मिल कमल विगासै, कमल ये कमल बढ़ रहे अपने शरीर में, साध संगत मिल मन माना और नाम है नहा
ओम सोहम जाना, नामों में नाम कहते, ये है एक मंत्र दो अक्षर का, यो सतनाम है। हरि कहते हैं, सगल भवन मई एक को ज्योति, सतगुरु पाया सहज सरोत, नानक किलबस काटे तही सहज मिले अमृत सिंचाई। नानक साहब जी कह रहे हैं कि नामों में नाम ये मंत्र है, यही सतनाम है। हरि नकलिया न पूछ कर देखो। अब जैसे इनसे राधा स्वामी वालों से पूछा, इसे जैसे ये जय गुरुदेव वालों के साथ चर्चा हुई, अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में किसी ने प्रश्न किया कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। उनसे पूछा गया कि क्या ये दो अक्षर भी जाप करने के हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये तो साधना करने के, साधना टट्टू की करोगे, जब नामा गाना बेरा तुमने, मूर्ख बनाने के लिए, दुनिया को भरमाने के लिए। अब जनता बहुत बुद्धिमान है, अब समझ जाएगी सब भाग्याओगे छोड़कर उन नकलियों को पुणात्माओं। अब संत मत भाग प्रकाश चार के और प्रश्न 261 पर लिखा है कि सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब आप हिसाब ला लियो, दास के अतिरिक्त किसने बताया दो अक्षर का भेद? ये देखिएगा संत मत भाग प्रकाश चार, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, और ये कहाँ से छपा है? ये है प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर पंजाब, और ये यहाँ से छपा है, सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। इसके 261 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये संत मत प्रकाश भाग चार। अब यहाँ से शुरू किया कि अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। ये वाणी है श्री शिवदयाल जी की, खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी कौन है, थोड़ा सा ये इनका इतिहास बता दूं। श्री बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास के अंदर डेरा स्थापित किया, आगरा के श्री शिवदयाल जी से उपदेश लेकर। शिवदयाल जी की मृत्यु होगी थी 1878 में, और ब्यास डेरा में नाम देने लगे 1889 में, 11 वर्ष बाद फौज से रिटायर होकर के। तो इससे सिद्ध है कि इसको कोई आदेश नहीं था नाम देने का, ये आप मनमुखी गुरु बन बैठा और ब्यास के अंदर डेरा स्थापित कर दिया। श्री जयमल सिंह जी के बाद उत्तराधिकारी बने श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य फिर कौन कौन हुए? शिष्य तो बहुत से हुए, लेकिन उनमें से दो मुख्य थे, मुख्य तो नहीं थे लेकिन वो अपने आप को अधिकारी मानने लग गए। एक तो बलूचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह जी और एक श्री कृपाल सिंह जी। इन दोनों ने अपने आप को अपने आसपास के भक्तों को बता दिया कि मैं अधिकारी हूँ, वो कि मैं अधिकारी हूँ। तो श्री सावन सिंह जी ने इन दोनों को बाईस पास कर दिया और सरदार जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया और उसके नाम वसीयत लिख दी थी। तो इन्होंने अक्षुब्ध होकर के 1949 में वहाँ पर सच्चा सौदा सिरसा में, किसने, ये सावन सिंह जी के शिष्य बलूचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह जी ने सिरसा के अंदर सच्चा सौदा का डेरे की स्थापना कर दी 2 अप्रैल 1949 में। और सावन सिंह जी की मृत्यु हो रही 2 अप्रैल 1948 में, और इन्होंने कोई आदेश नहीं था इसको नाम देने का। और कृपाल सिंह जी ने छतरपुर दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया। ये सब मनमुखी और सब वहाँ से बिछड़े हुए बागी, इन्होंने ऐसा कर दिया। अब सावन सिंह जी के विचार समझो उनके लिए फाइनल है, क्योंकि खेमामल सिंह जी के गुरु भी सावन सिंह जी। अब सावन सिंह जी क्या कहते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो दो अक्षर का भेद बतावे। फिर इनको तो ना पता था ये पूरे कितने हो गए, ये सोचने की बात है पुण्यात्माओं। अब देखो ये वही संत मत प्रकाश भाग
श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह 261 पृष्ठ पे। यह संसार सर है और अक्षर है वह ब्रह्म है, नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा महल को इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय सब है कुछ इनके माही, वे अक्षर खिर जाएंगे ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही है। इसका अर्थ तो ये है कि इन तुम्हारे ग्रंथों में वो मोक्ष मार्ग मंत्र नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। वो कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। तो तुम्हारे पूरे के ग्रंथों में वो मंत्र नहीं है, इन में तुम्हारे जो लिपि कर चलाते हो तुम, इसका अर्थ तो ये है सीधा सा। आगे चलो, 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है, पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ जाता है। आगे दो अक्षर और हैं, वो कहाँ हैं? जो पार ब्रह्म में है। अरे वाह देवताओं, वो आगे मिलेंगे मेरे पाछे इन्हें। वे इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। अब ये तो है इसके मत, सावन सिंह जी का वो दो अक्षर पार ब्रह्म है, और गुरु ग्रंथ साहिब का जो हवाला लिया है वो इसकी बात को झुठला रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने सही लिखा है कि वो तो अक्षर गुरु जी देगा, सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। इस सतनाम में दो अक्षर है, एक ओम एक तत्, वो सांकेतिक है जो अभी आपको दिखाई दिया। तो अब ओम तो काल से छुड़वा होगा। गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 66 में जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे व्या मुक्षामी मा सुच। अब इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है। वो तो कह रहा है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा जिसके बराबर दूसरा नहीं है। एकम 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी ऐसा ही प्रमाण है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का वो भाव है, इन्होंने उल्टा अर्थ कर दिया। वर्ज का अर्थ जाना होता आना कर दिया, इंग्लिश वर्ड गो है उसका अर्थ कोई आना करता है तो मूर्ख है वो। गो माने जाना होता, आना हो ही नहीं सकता। तो यहाँ वही बताया कि जो मेरे सतर के ओम नाम का जाप तूने जपा है वो तो मुझे दे दे, सब यज्ञ वगैरह वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो फिर ये हमें छुड़वा देगा, ये ओम नाम के जाप का जो मंत्र हम काल को देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे या कमाई। फिर पहले हम इसको बर्बाद करते रहे थे ब्रह्म लोक में जाके, अब नहीं करेंगे हम इसको ऋण उतार देंगे इसका। तो इसका अर्थ तो ये है कि एक छुड़ावे, एक छुड़ावे और एक लखावे। आपको बताना सतनाम में दो मंत्र हैं, एक तो यू काल का और दूसरा जो मंत्र आपको इस अभी दिखाया वो इस अक्षर पुरुष का जाप है, परब्रह्म के सात संग ब्रह्मांडों से पार करके भंवर गुफा तक पहुंचा देगा, उससे आगे नहीं जा सकता ये। और वहां से सतलोक दिखाई जरूर देगा लेकिन वहां नहीं जा सकते, बीच में बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ा भारी पर्दा लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त दीवार है। तो वो जो सार नाम आदि नाम है उसके जाप से वो फटेगा बज्र कवाड़ी। दासगिरी मेर सतगुरु की खोली बज्र कवाड़ी, वो बज्र कवाड़ खोल लेंगे उस सार आदि नाम तय। तो वो लखावेगा दिखावेगा वो है सतलोक, लेकिन जा नहीं सकते इन दो मंत्र से। यहाँ तक भी कहा कबीर साहब ने कि सोहम सोहम जप मरे वृथा जन्म गवाया, कि तुम इसलिए अकेले तुम कोई सोहम जाप करता वो भी व्यर्थ है, अकेला ओम जाप करता वो भी व्यर्थ है। इन दोनों के मंत्र से ओम सोहम तक भी व्यर्थ है। जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा, वो सतना आदि नाम नहीं मिलेगा, तब तक तुम पार नहीं हो सकते। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वही तो पूरा गुरु होगा और वही शेष पार होगा। अब देखना ये 261 पृष्ठ संत मत प्रकाश भाग 4 का। अब सावन सिंह जी तक कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं।
यह लिखा है कि आगे दो अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, आज्ञा पार ब्रह्म पाओगे नहीं। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे, यानी सतलोक में जावे। फिर देखना गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पे लिखा है, जे तू पढ़ा पंडित बिन दुई अक्षर दुई नामा, पर प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। ये दो अक्षर तो वो बता दिए सतनाम में, और एक है यू सार नाम अलग से, ये पार लंगावेगा इन सब से, पार यू करेगा। फिर लास्ट में आगे देखो 329 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में, अब कबीर साहिब की वाणी भी लिखी है इस पृष्ठ पे, कबीर परमात्मा के विषय में कहा है कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। ये तो इसका अनुवाद किया सावण सिंह ने, और फिर सावण सिंह जी आगे अपने हिसाब से क्या कह रहे हैं, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। वो अक्षर पार ब्रह्म आगे मिलेंगे, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। वाह रे विद्वानों, यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर द्वे भाख, ये तन्यों के हैं साधना करण के हैं, जाप करण के नहीं, आगे मिलेंगे। और जो वाणी इन्होंने प्रमाण में ली है वो भगवान कबीर साहब कह रहे हैं, ये दो अक्षर बोलन के हैं जाप करण के हैं, और गुरु नानक साहब जी जाप कर रहे थे। कहे कबीर अक्षर दुई भाख, और होएगा खसम तलेगा राख। अब देखो कितना स्पष्ट किया है कबीर साहब, कहते हैं ये दो अक्षर का जाप करो, ये जाप करना है, और यदि उसके देने वाला अधिकारी संत होगा इन दो अक्षर के तो तेरी रक्षा होगी, अन्यथा नकली से बात बने नहीं। अब फिर लिखा है गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल, ये आदि नाम है, ये आदि नाम है। आगे देखो फिर 262 पृष्ठ पर ये संत मत प्रकाश भाग 4 के एक स्थान पर फिर गुरु साहिब लिखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के 747 पृष्ठ पर, वेद कतेब समृत सब शास्त्र इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। एक अक्षर आदि नाम, वो भी जाप करना है गुरु से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी तक कहते हैं, वो भी जाप करना पड़ेगा। और वो इन्हों कहे ना हग में लेंगे, मेरे पास है शिवदाल ने मिर्गे बुक्की में मिल रहे हैं, वह बोल रहा भूत उसके अंदर। अब देखो वह अक्षर आपके अंदर है, ये अनुवाद कर रहे हैं सावण सिंह जी, और पार पर मजा के मिल लेंगे, मरे पाछे मिल लेंगे, ये है तरह के जो भैया। ये तो गुरु साहब तो कह रहे हैं कि ये जाप करने हैं गुरु जी से लेकर, अभी एक मंत्र भी, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अरे वाह, यहाँ सतनाम जाति, वहाँ सतनाम, सतपुरुष सतलोक सार शब्द सार नाम सतनाम असली राम और सचखंड, हरिया हमारी जाति, इनका सतनाम में ना समझ मारा क्या है। धर्म हमारा धर्म सतपुरुष है, यह परादेश है हम जा रहे हैं। अब बताया, अब आत्मा उस पुराने महल को छोड़कर जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष रही सतनाम में जा रही है, अब सतनाम में जा रही है। या अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सोहम शब्द और सत शब्द, ये परमात्मा से किवाणी से ले लिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियोरा दास स्वामी पंथ जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सोहम शब्द और सत शब्द, ये न पता ना लग गया ना, यू भी लिख लो कि देते हैं, और आपके में और जाप करें। ये आत्मा दर्जे के अंदर अनुसार असली मकसद को, अपने असली देश को जा रही है अपने आत्माओं। अब गुरु नानक साहिब जी ने ये नाम इसलिए नहीं दिए, परमात्मा का आदेश था कि नकलियाँ के हाथ लाग जाएंगे और ये काल के दूत सारे जीवों का नाश कर देंगे, जब हम आएंगे फिर कैसे भेद बताएंगे, ये सारे पंथ एक कैसे होंगे, अब होंगे देख लेना, बुद्धिमान समाज है, कौन मरेगा कुएं में पड़ के, नो के वहाँ तो सतलोक में परमात्मा है कोनी, वहाँ तो जाकर आत्मा ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में, कौन मरेगा डूब के वहाँ।
वहां परमात्मा साकार है, नर आकार है, ऐसी ही दुनिया है वहां पर। नानक साहब जी कहते हैं दो दुनिया बना करके परमात्मा वहां बैठ के देख रहा है सतलोक से, ऊपर भी सतलोक में भी ऐसा ही संसार है, लेकिन वहां का मैटेरियल नाशवान नहीं है। तो गुरु नानक साहिब जी ने, जैसे आप देख रहे हो सिख धर्म के अंदर ज्ञान यज्ञ यानी जप जी साहेब का पाठ और वाणी का पाठ और साथ में भंडारे, ये यज्ञ शुरू करवा गए, वो नाम नहीं दिया इनको। अब जैसे कोई सीरियस रोगी हो और सर्जन बाहर गया हो, वो क्या करता है, बाहर से फोन पे बता देता है कि तुम ग्लूकोज लगा दो जब तक मैं आऊं, ये इनको इंजेक्शन भी लगा दो। अब ऑपरेशन तो सर्जन करेगा कि वो नहीं कर सकते, तो इसलिए कि तब तक वो रोगी मरे को नहीं, इस ट्रीटमेंट से ये जीवित रहेगा और वो आके दो मिनट में उसका ऑपरेशन कर देगा। अब जैसे ये ग्लूकोज लगा गए परमात्मा, ये यज्ञ है ना पांच, एक यज्ञ है उनकी, दूसरी यज्ञ ध्यान, ये जैसे यहाँ पांचों यज्ञ हम कराते हैं, एक यज्ञ धर्म की और एक और दूसरी यज्ञ हवन की, तीसरी यज्ञ प्रणाम, चौथी ज्ञान, और इस प्रकार हम ये पांचों यहाँ करवाते हैं आपसे। तो ये ग्लूकोज है, ये दो यज्ञ हैं, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और ये ध्यान यज्ञ। ध्यान माने भगवान की याद आए जा, वो टेंशन सी बनी रहे, हठ योग नहीं, मेडिटेशन नहीं, वो मेडिटेशन नहीं। तो ये है ग्लूकोज, इस तरह रोग तक कटे नहीं, पर ये सहयोग देते हैं मेंटेन रखने के लिए शरीर को। और ये जो कैप्सूल और ये इंजेक्शन, ये है सतनाम और सार नाम, और ये पांच नाम आपको अलग से दिए जाते हैं, जो सात नाम बना कर दिए जाते हैं। अब ये परमात्मा के आदेश से ये कंप्लीट कोर्स अब आपको मिला है। तो इससे क्या हुआ, जो भी पुण्यात्मा उन सिख धर्म में आती रही तो उनको ग्लूकोज लगा हुआ था, मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। इसलिए तो चाह है भगवान की, आज भी भटक रहे हैं वो प्राणी कहीं ना कहीं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी करते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, और भी कहीं मंदिर मस्जिद में कहीं भी उनको कोई मिलता है वहाँ भी परमात्मा की खोज कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं और मनुष्य जीवन से आए हुए हैं। तो गुरु साहिब ने इसलिए छोड़ा था कि अब सर्जन भेज दिया दास उन्होंने, कबीर परमात्मा ने अपना दास, और अभी तक आपको चाह भगवान की बनी रही। उन्होंने अब कोई ये कहे कि गुरुजी ने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया, सिख समाज को किसी को भी आमंत्रण नहीं दिया, हम कहेंगे गुरु साहब ने बहुत बड़ा उपकार किया आपके ऊपर, मनुष्य जीवन तो असंख हो लिया हमारे असंख, और पांच सात और हो गए के बिजली पटगी ब्रोक कट जाएगा। बोलो सतगुरु देव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, ये कबीर देव जी हैं, कबीर साहेब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, यही अकाल मूर्त हैं, यही शब्द स्वरूपी राम हैं और यही सतपुरख हैं। वेदों और गीता में इनको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने इनको सतपुरुष कहा है, अमर पुरुष कहा है, सतपुरुष कहा है, और कुरान शरीफ के अंदर इसी परमेश्वर को अल्लाहु अकबर कहा है, अल्लाह कबीर। गुणात्मा आपका सौभाग्य है, प्रथम सौभाग्य आपका है कि आप जी को मानव शरीर प्राप्त है, उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है, लक है आपका, गुड लक है कि आप जी को वो धन प्राप्त हो गया जिसको खोजते खोजते ऋषियों ने अपने जीवन समाप्त कर दिए, काल ने हाथ नहीं लगने दिया इनके, और वो ज्ञान वो अनमोल खजाना फिर परमात्मा ने स्वयं आकर हमें बताना पड़ा। हमने सतलोक के अंदर एक भारी भूल करी थी, उस भूल का आज हमें ये जो कष्ट है ये बहुत ही थोड़ा है।
पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, सभी बहन भाई, बुजुर्ग बच्चे, नौजवान बच्चे, उस समय आपका कलेजा मुंह को आया करेगा कि हम इतने नीच, हमें ये सजा थोड़ी है जो आज हमें दी जा रही है कुत्ते गधे सूअर बना के, और इस मनुष्य जीवन में हम कितने कष्ट उठा रहे हैं, ये संकट हमने कब मोल लिए थे, ये कब परचेज करे थे, ये दुख हम सतलोक में रहा करते थे। अब थोड़ा सा हिंट आपको सृष्टि रचना का देगा दास। पुण्यात्माओं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे। अब परमात्मा, सबसे पहले परमेश्वर कबीर देव जी अकेले लोक में रहते थे, अनामी पुरुष रूप में। वहां इनके एक रोमकूप की शोभा असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्रमा मिला दे तो भी अधिक है। उसी परमात्मा ने एक से अनेक होने का निश्चय किया। उस परमात्मा ने नीचे के तीन लोक और अपने वचन से रचे। अकै लोक से नीचे अगम लोक, अगम लोक से नीचे अलख लोक, अलख लोक से नीचे फिर सत लोक, और इन अन्य तीनों लोकों में भी परमात्मा ने अपने अन्य रूप धारण किए। अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष, और सत लोक के अंदर ये सत पुरुष नाम से वहां विराजमान हुए। अपने आत्माओं, सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने फिर अन्य और रचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने एक वचन से 16 द्वीप रचे और फिर अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से कौन कौन है? सहजदास, जोगजीत, अचिंत और ये, इस प्रकार 16 हैं ये परमात्मा के वहाँ सतलोक में प्रथम प्रगट जो पुत्र हैं। इन 16 के 16 को अलग अलग द्वीपों में रहने का आदेश दे दिया, ये वहाँ रहने लगे। फिर अपने पुत्र अचिंत से कहा प्रभु ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष कबीर देव ने कि बेटा तू शेष रचना अब तू कर। अब परमात्मा उनको ये दिखाना चाहता था कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत बड़ा तैयार होया कि जी ठीक है, प्रभुता की भूख बनी थोड़ी सी, तो उसी समय उसने अपने वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया, उसका नाम अक्षर पुरुष रखा और अक्षर पुरुष से कहा अचिंत ने कि तू मेरा सहयोग दे सृष्टि रचना में। अक्षर पुरुष जाकर के वहां बने मानसरोवर में, एक अलग से मानसरोवर बना हुआ है, वो भी परमात्मा ने अपने वचन से रचा। उस मानसरोवर के अंदर जाकर के स्नान करने लगा, फिर उसके अंदर गोते लगाने लगा, उसमें निंद्रा आ गई, सो गया। काफी समय तक वो बाहर नहीं निकला, तब अचिंत ने परमात्मा से कहा प्रभु ऐसे ऐसे अक्षर पुरुष निंद्रा में सोया पड़ा है, वो बाहर नहीं आ रहा, आगे रचना में कैसे करूं? तब परमात्मा ने कहा पुत्र तुम कर भी कुछ नहीं सकते और ना ही आगे से ट्राई करना। ये एक उनको ट्रेलर दिखाना था कि तुम्हारे बस का यू काम है नहीं, कहीं बीच में टांग अड़ान लग जाओ तुम। तब परमात्मा ने उस सरोवर से ही एक जल लिया अपने चुल्लू में और उसमें एक अपने मंत्र से, वचन से एक अंडा बना दिया इतना बड़ा, उस अंडे को छोड़ दिया उस सरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे को गया
अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी और उसने एकदम कोप हो गया, क्रोध हुआ कि मैं किसने जगा दिया, आप कोई गहरी नींद सो रहा हो और उसको कोई जगा दे तो उसको बहुत क्रोध आता है, थोड़ा गुस्सा सा आता है। वो अलग बात है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे अगर तगड़ा है तो गुस्सा शांत हो जाता है, नहीं तो कुछ दमका भी सकता है। और जो ही उसने थोड़ा सा क्रोध से देखा कि किसने मुझे निंद्रा, किसने भंग कर दी मेरी, उसके वो क्रोध तेज उस अंडे में प्रवेश हो गया, अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये सरपुरुष निकला। सरपुरुष जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, आगे चल के ये काल कहाया। तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तेरे को जगाने के लिए हमने ये सब कुछ करना पड़ा, और बाहर आ जाओ तुम दोनों। वो दोनों बाहर आ गए, उनसे कहा कि जाओ तुम अचिंत के द्वीप में रहो। अब तीन एक द्वीप में रहने लगे, सरपुरुष अक्षर पुरुष और अचिंत पुरुष। उसके बाद परमात्मा ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को वहां उत्पन्न कर दिया, अपने वचन से, अपने शरीर से, अंदर से निकाल दिया वचन से, और हमें अलग अलग स्थान दे दिया कि तुम रहो यहाँ पर। सदा बाहर वृक्ष, पेड़, मेवा, काजू, सब सेब, संतरे, फल, दूध की नदी, अमृत जल, कभी न खराब होने वाले वहाँ पदार्थ बना दिए। सतलोक से यहाँ एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है, गंगा दरिया का जल, ये कभी खराब नहीं होता। इसके ऊपर रिसर्च करके सर मार लिया वैज्ञानिकों ने, ये कुछ कुछ नहीं खोज सके कि ये कैसे है ऐसा। तो ये सतलोक से आया परमात्मा ने हमें दिखाया कि वहां ऐसे पदार्थ हैं सारे, वो कभी खराब नहीं होते किसी भी एटमॉस्फेयर में। वहां तो वैसे एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, हम सभी आनंद से रह रहे थे, वहां कोई काम नहीं था, और सबके अपनी अपनी संतान, उनको कहा कि तुम अपनी अपने परिवार उत्पन्न कर सकते हो, इतनी उन्होंने परमात्मा ने हमें आज्ञा दे दी थी। और हम फिर वहाँ रह रहे थे, अपने अपने अलग से मकान थे, एक एक हंस के पास, एक आत्मा और उसके परिवार के पास, जो परमात्मा ने दया करी उनके ऊपर। इतने बड़े बड़े स्थान हैं जैसे पूरी पृथ्वी पर, उसी में उनके अलग से बाग बगीचे और सरोवर, दूधों की नदियाँ सब भरे पड़े हैं अमृत। हम वहाँ रहा करते थे, युवा शरीर रहता सतलोक के अंदर, वहाँ जरा मरण नहीं है, जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु, वहाँ जरा मरण नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, वो ते तत्ब्रह्म विदु, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित होते हैं, जानते हैं। अखिलम अखिलम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म मार्ग से और पूरे सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत् परम प्रभु, वो तत् ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सब कर्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में और 16 और 17 में ये कंसेप्ट क्लियर कर रखे है, कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है,
और जो संत इसको जानता है वह तत्वदर्शी संत है, पूरे विभागों सहित जानता है। तो उसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है उसके सब विभागों को जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कहा कि सर्पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु हैं, ये दोनों ही नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, और ये सर्पुरुष भी और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, सत्पुरुष की तरफ संकेत है। उत्तम पुरुष तो और ही है इन दोनों से, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही वास्तव में परमात्मा कहता है, और वही वास्तव में अविनाशी है। तो यहाँ सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये ऐसे परमात्मा ने हमें बताया, ये ऐसे इनका इनकी उत्पत्ति हुई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? विनोद दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव रणेरा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 29/8/2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं किसी गुरु के शरण में नहीं था, पर गांव में राम मंदिर, दुर्गा माता अम्बा मंदिर, शिव जी के मंदिर में जाते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं गांव का किसान होने के कारण खेती करता था, तो रात में मोटर चलाई और सुबह घर आया तो गांव में सत्संग लगा था श्रीमद देवी भागवत का, तो मैं घर पे आया तो घर वाले सब चले गए, मैं घर पे रुका, और घर पे रुकने के कारण मैं टीवी देख रहा था, टीवी देखते देखते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, उनका सत्संग देखा तो अजीब अजीब लगा, और देखते देखते आज देखा कल देखा, देखते देखते वो श्रीमद देवी भागवत महापुराण खोल के बता रहे थे और उसमें मिलान किया, और उसके बाद मैं बरवाला गया, और मैं और मेरे पिताजी और एक और हम तीन जने गए, और बरवाला में बंदी छोड़ सतुर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, बहुत सारे लाभ मिले। पहले हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से बहुत सुधार हुआ, और घर में मेरे पिताजी बीमार थे और बहुत परेशानी आती थी, घर में काम करने वाला कोई नहीं था, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो उसमें सुधार होने लगा और आज बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे भैया जी की नौकरी लग गई, और मैंने ताल में दुकान डाल ली, और मैं दुकान पे रहता हूँ। एक दिन दुकान बंद करके घर जा रहा था, और बाइक से जा रहा था शाम को दुकान बंद करके, और सामने वाले ने गाड़ी आ गई, दोनों की गाड़ी ठुक गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से हुआ कि मेरे को रतलाम भर्ती किया गया, रतलाम से उज्जैन ले जा गया, 9-10 दिन आईसीयू में रहा, और 2 महीने में मेरे को होश आया, फिर मेरे को पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट ऐसा था कि मैं मर गया था, बिल्कुल नहीं बचा था, और गांव वाले सब कहने लग गए थे कि वो तो मर गया, वो उसकी लाश आने वाली है, और मैं बेहोश की स्थिति में पड़ा था, तो मेरी आत्मा शरीर छोड़ के निकल रही थी, और मैं ऊपर से देख रहा था कि मेरी आत्मा जा रही है, और मेरे परिवार के और थोड़े बहुत गांव वाले सब अस्पताल में खड़े थे, और डॉक्टर ने बोल दिया कि बस ये तो मर चुका है, और मैं ऊपर गया, ऊपर गया तो ब्रह्मा जी और सावित्री जी माँ के वहाँ गया, तो वहाँ पर मेरी अकाउंट हुई तो वहाँ से मेरा लेन देन कुछ नहीं था, तो वहाँ से मेरे को आगे बढ़ा गया कि इस रास्ते चले जा। मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो
गणेश जी के लोक में गया, वहाँ भी मेरी अकाउंट हुई, वहाँ से मैं आगे बढ़ा। तो मैं विष्णु और लक्ष्मी जी में गया, वहाँ पर भी मेरी अकाउंट हुई, वहाँ पर मेरा कुछ लेन देन नहीं था। उसके बाद मैं और आगे बढ़ा वहाँ से, तो आगे बढ़ने के मैं शिव जी और पार्वती माँ के वहाँ गया, उस लोक में गया, वो सिंहासन पे बैठे थे, वहाँ पर मेरे अकाउंट हुई, वहाँ पर लेन देन कुछ नहीं था। फिर मैं वहाँ से भी आगे बढ़ा, तो लास्ट में मैं दुर्गा जी के लोक में गया। तो दुर्गा जी के लोक में उस अकाउंट लेने वाले ने, चित्रगुप्त ने बोला कि इसकी लेन देन कुछ नहीं है। तो फिर वहाँ पर रास्ते बहुत सारे थे, तो उन्होंने दुर्गा जी ने मेरे को बताया कि बच्चे इस रास्ते चले जा। तो मैं उस रास्ते गया, बीच में खाई आई हुई थी, खाई में पानी जा रहा था, तो उस पानी में होके ऊपर गया तो बीच का रास्ता गायब हो गया और डायरेक्ट काल लोक में पहुँच गया। मैं काल लोक में पहुँचने के बाद एक बहुत बड़ी दीवार थी, उस दीवार के पास बहुत बड़ा गेट लगा था, वहाँ एक चित्रगुप्त अकाउंट लेने वाला था, और एक दीवार की आड़ में सिर्फ मुकुट का थोड़ा सा ऊपर का कोना दिखाई दे रहा था, वो हिल रहा था इसलिए वो दिखाई दे रहा था, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मेरे को वो अकाउंट लेने वाले चित्रगुप्त मेरे को बुला रहा था कि इधर आ जा इधर आ, और साइड से गुरु जी खड़े थे, बंदी छोट सतगुरु रामपाल जी महाराज जी खड़े थे। तो मैं एक बार तो गुरु जी की तरफ देखता था, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ, और एक तरफ उधर देखता था गेट की तरफ, वो जो का चित्रगुप्त खड़ा था वो मेरे को बुला रहा था। तो मैं उधर देखता था, इधर देखता, उधर देखता, इधर। तो मैंने गुरु जी को पहचान लिया, मैं दौड़ के गुरु जी के पास गया, और गुरु जी से दंडवत प्रणाम करने के बाद उन्होंने मेरे को छाती से लगा लिया। छाती से लगा कर गुरु जी ने मेरे को ऐसी बात बताई कि मैं हंसने लग गया, और मैं हंसने में रह गया, और गुरु जी ने और चित्रगुप्त ने दोनों ने बात की। बात करने के बाद मेरी जैसे हंसी रुकी कि गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर वापस मेरे को कुछ बात बताई वापस, तो फिर मैं हंसने लग गया, और फिर उन्होंने चित्रगुप्त ने और गुरुजी ने बात की। बात करने के बाद जब तीसरी बार मेरी हंसी रुकने लगी और गुरु संत रामपाल जी महाराज ने फिर मेरे को कुछ कुछ बात बताई, और फिर मैं हंसने लग गया, और चित्रगुप्त और गुरुजी ने बात की, और उनकी बात जैसे ख़त्म हुई गुरु जी ने बोला चलो बेटा। तो मेरे को ऊपर से नरक में ले गए, नरक लोग पूरा दिखा कर पूरा दिखाया। मैं नरक लोग में गया, तो मैं नरक लोग में देखने के देखते देखते इतने बहुत बड़ी खून की नदी थी और उबल रही थी, उसमें से सब जीव उनका शरीर नहीं दिखाई देता था, मतलब अंदर का शरीर दिखाई दे रहा था, और वो इतने परेशान हो रहे थे ने उसमें उछल उछल डूब जाते फिर निकलते, डूब जाते फिर निकलते, इतने उछल रहे थे कि वो बहुत सारे परेशान हो रहे थे। उसमें से एक जीव को मैंने देखा कि उस नदी से खून की नदी में से वो तड़प रहा, तो वो बाहर निकला, वो इतना बाहर निकल गया और अपने आप उसमें से कपड़े बन गए, उसके कपड़े बन गए, साफा बन गया, और डायरेक्ट मेरे को पहचान में आ गया कि ये तो मेरे पप्पा जी है उस खून की नदी में। और मैं वहाँ से वो मेरे को बुला रहे कि इधर आ जा बच्चे इधर आ जा। तो मैं वहाँ तो नहीं गया ना, और डर के भाग गया वहाँ से। फिर संत रामपाल जी ने मेरे को वापस साथ में लिया और हम स्वर्ग गए। स्वर्ग में गए तो बहुत से देवता, 33 करोड़ देवता को देखा वहाँ पर। कोई तो देवता विमान में घूम रहे, कोई देवता पैदल उधर चलने का कुछ भी नहीं है, उधर उड़ने का है, तो कुछ देवता भी उड़ रहे हैं, पैदल उड़ रहे, मतलब कुछ विमान विमान नहीं था उनके, और कुछ देवता विमान में बैठ के घूम रहे, कुछ देवता हंसी खुशी से जा रहे हैं, उसमें कुछ देवता ऐसे भी हैं जिनके कपड़े भी फटे हुए हैं। और उधर देखकर फिर संत रामपाल जी महाराज मेरे को सब कुछ दिखा दिखा कर, स्वर्ग नरक ने ऊपर और काल का लोग भी दिखा कर वापिस मेरे को नीचे छोड़ने आए। तो मेरे को यहाँ पर नीचे आके छोड़ दिया, एक सफ़ेद सफ़ेद था और वहाँ पर लाकर मेरे को बिठा दिया कि यहाँ बेटा यहाँ बैठ, ने वो चलने लगे चलने लगे। तो मैं बहुत ज़ोर से रोने लगा कि गुरु जी कहाँ जा रहे, गुरु जी कहाँ जा रहे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। तो मेरे को नहीं ले गए और वो चलते गए, तो मैं बहुत ज़ोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, और मैं हाथ पाँव आगे करता ने चलता उनके पीछे दौड़ने लगता, तो मैं आगे नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जिस शरीर से मैं मर चुका था उस शरीर में वो वापस डालकर
डाल दिया मेरे को और जाने लगे तो मैं उस शरीर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और पहले तो मेरी आत्मा थी तो आत्मा कहीं भी चली जाती, पर मेरे शरीर में गुरु जी मेरे को फिट करके गए मेरे संत रामपाल जी महाराज, तो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बस जोर जोर से रोने लगा तो मेरे गुरु जी ने मेरे को पीछे पलटे और मेरे को आशीर्वाद दिया और बोले कि बेटा तू अब यहीं रहे और मैं अभी भारत में नहीं हूँ, मैं भारत से दूसरे देश में जा रहा हूँ और दूसरे देश में जा रहा हूँ, टेंशन मत ले मैं वापिस आ जाऊँगा। और इधर जैसे मेरे संत रामपाल जी महाराज ने मेरे प्राण शरीर में डाले, जब मेरे को होश आया तो मैं देखा कि मैं यहाँ कैसे सोया हुआ हूँ। और घर वाले मेरे को बोलने लगे कि तू मर गया था, तेरा एक्सीडेंट हो गया था, तू अस्पताल में था और तेरे को यहाँ पर घर पे लाया गया था और तेरे को डॉक्टरों ने मैं मृत्यु घोषित कर दिया था। और मेरे घर वाले बहुत हैरान हो गए कि तू जिंदा हो गया, हम तेरे को जलाने ले जा रहे थे पर तू जिंदा कैसे हो गया। तो मैंने सब पूरी स्टोरी बताई गुरुजी की और गुरुजी ने ऊपर घुमाकर मेरे को लाके छोड़ा हुआ था। तो इस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं जिंदा हूँ और आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। मेरे गांव वालों ने मेरे को रतलाम भर्ती किया गया था, तो रतलाम से डॉक्टर ने मेरे को छुट्टी दे दी और मेरे को मृत्यु घोषित कर दिया था। तो वहाँ गांव वालों ने मेरे को उज्जैन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो वहाँ पर भी मेरे को बहुत चोट आई थी, वहाँ पर मेरे को मृत्यु घोषित कर दिया था और मेरे ब्रेन में बहुत बहुत बड़ी चोट आई हुई थी। वो रिपोर्ट आप देख सकते हो सर, ये मेरी रिपोर्ट है उज्जैन की और जिसने डॉक्टर को मेरे को मृत्यु घोषित कर दिया था। और आप ये रिपोर्ट देख सकते हो जिसमें मेरा दिमाग की नसें पूरी फटी हुई थी और मैं मृत्यु घोषित हो गया था। परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं तुम्हारे सब लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ। उन्होंने मुझको जीवन दान दिया है, नहीं तो मैं मर गया था। उनके कारण से आज मैं जिंदा खड़ा हूँ और परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मैं पूरा स्वस्थ हूँ। मेरे को कोई भी टेंशन नहीं होती है और कोई भी परेशानी नहीं आ रही शरीर में। और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, बहुत कर्जा भी था, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो धीरे धीरे कर्जा भी समाप्त हो गया और आज अच्छी स्थिति में है। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से आज मैं दुकान खोल ली है और मेरे भैया टीचर हैं, वो पढ़ाने जाते हैं और मैं दुकान पे जाता हूँ और खेती भी करते हैं और बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भक्त समाज को हम संदेश तो क्या सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि परमात्मा का ज्ञान समझो, इनको अच्छी तरह समझो, पूरे प्रमाण के साथ देखो और प्रमाण के साथ देखने पर आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि ये ज्ञान कितना सच्चा है और ये खुद परमात्मा ही आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लो और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रवचन चैनल पे आता है उस पे नीचे पट्टी आती है, उस पट्टी पर नंबर आए हुए हैं, उन नंबर पर फोन लगाओ तो आपको पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, वहाँ जाके नाम दीक्षा लो। आज के ज़माने में तो हर क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कहीं पर भी हर तहसील में नामदान सेंटर खुले हुए हैं, उन नामदान सेंटर पर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।